आज के समय में वांटेड हेडशॉट कोई भी लगा सकता है, मतलब कोई भी लगा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहा पहले जितना था। लेकिन आज भी हम लोग बहुत सारे वांटेड हेडशॉट की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लेजेंड्स की देखते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वांटेड हेडशॉट वो लोग भी लगा सकते हैं, हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके वीडियो में देखने में मजा क्यों आता है, इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, एंटरटेनमेंट क्यों होता है? वो है गाइस फ्री स्टाइल की वजह से। खाने में जैसे मसाले के बिना मजा नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह गेम प्ले में अगर फ्री स्टाइल ना हो तो गेम प्ले देखने में भी बिल्कुल मजा नहीं आता। जिसकी वजह से मैं इस चैनल में लाने वाला हूँ बहुत सारे फ्री स्टाइल का ट्यूटोरियल जो आगे चलकर आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल क्राउचिंग जंप के बारे में बात करेंगे जो लेजेंड्स लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका वीडियो देखने में मजा आता है, लेकिन हम लोग जब क्राउचिंग जंप करते हैं तो देखने में इतना ज़्यादा खास नहीं लगता, उसका क्यों बढ़िया लगता है क्राउचिंग जंप, हमारा क्यों नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल क्राउचिंग जंप को एकदम लेजेंडरी कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले जिन लोगों को क्राउचिंग जंप टेक्निक करना नहीं आता उन लोगों को बता देता हूँ कैसे क्राउचिंग जंप टेक्निक यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सीट के बटन में टैप करके गन को स्विच करना है, रन पे क्लिक करना है और उसके बाद बस जंप कर देना है। जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको सबसे पहले सीट वाले बटन में टैप करना है और वेपन को स्विच करना है स्विच बटन से, और उसके बाद रन पे टैप करना है, रन पे टैप करने के बाद आपको बस जंप वाले बटन में टैप कर देना है। बस इतना सा करने से आपको क्राउचिंग जंप टेक्निक आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, मतलब आधे घंटे अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मास्टर हो सकते हो। तो अभी बात कर लेते इसी क्राउचिंग जंप टेक्निक को हम लोग लेजेंडरी कैसे बनाए, हम लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल में कैसे ले जाए जो देखने में भी मज़ा आए और आप लोग भी उसे कर सकते। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, मैंने जितना भी अभी स्टेप्स बताया उस स्टेप्स में से बीच में एक स्टेप को आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है जिससे कि हमारा जो ये मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, लेजेंडरी बन जाएगा। तो आपको सीट वाले बटन में टैप करने के बाद आपका जो राइट साइड का स्क्रीन है इसको इस घुमावदार तरीके से रोटेट करना है बस, और रोटेट करते करते आपको स्विच करना है, रन पे क्लिक करना है और जंप वाले बटन में टैप कर देना है। तो हमारा जो स्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट घूम रहा है ऐसा, और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है, आप तो देख। और अगर आप इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो इसमें से भी आप बहुत सारे ट्रिक्स निकाल सकते हो, बहुत सारे फ्री स्टाइल और भी निकाल सकते हो इसमें से ही। सो अभी मैं मिलता हूँ एक नया फ्री स्टाइल टेक्निक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।